सूरजपुर जिले के प्रतापपुर ब्लॉक में आंगनबाड़ी सहायिका संघ 8 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे। जी हां, बात करें सूरजपुर जिले के प्रतापपुर ब्लॉक में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ 8 सूत्री मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं। और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की सभी महिलाओं का कहना है, हमें अपना हक नहीं मिल पा रहा है। कांग्रेस सरकार ने वादा किया था हमारी सरकार बनेगी तो आंगनबाड़ी का मानदेय कलेक्टर दर से कर दिया जाएगा, पर आज तक हमें छलावा किया गया। हम चाहते हैं कि सरकार हमारी मांगे पूरी करे। हमें अपने घर चलाने में असुविधा होती है, इतने पैसे में आज की महंगाई में हम घर कैसे चलाएं? भूपेश सरकार जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं करेगी तब तक हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे रहेंगे। हमारी अनिश्चितकालीन हड़ताल को आम आदमी पार्टी ने समर्थन दिया है, भाजपा ने भी समर्थन दिए। अभी तक सरकार के कोई भी जनप्रतिनिधि हमारे बीच में नहीं आए हैं, जिसमें आंगनबाड़ी प्रदेश कार्यकारिणी अध्यक्ष सुमन के राम, समनु नेश ब्लॉक अध्यक्ष, रुखसाना सेक्टर अध्यक्ष शशिलता, नीलम जायसवाल और भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता उपस्थित थे। नमस्कार, TV24 भारत न्यूज में विनोद गुप्ता इस समय सूरजपुर जिले के मैं प्रतापपुर ब्लॉक में खड़ा हूँ। यहाँ मैं दिखाऊंगा, यहाँ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ के द्वारा यहाँ पे अनिश्चितकालीन 8 सूत्र मांगों पर यहाँ पे धरने पर बैठे हुए हैं। और कांग्रेस शासन काल की कहा जाए तो 4 साल बीत गए, 6 महीना और बचे हैं, और इनमें सभी आंगनबाड़ी के महिला हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, यहाँ पे आज धरना पे इन्हें बैठना पड़ा अपनी हक के लिए, अपनी हक की लड़ाई के लिए। यहाँ पे आज वेतन वृद्धि मांगों के लिए मैं दिखाऊंगा, इतना छोटे छोटे यहाँ बच्चे इस धूप पे खड़े हैं। और हमारे मुखिया CM भूपेश बघेल जी से मैं अनुरोध करूँगा कि इन महिलाओं को दर्द को समझा जाए और इनकी जो मांग है वो पूरा किया जाए। आइए मैं इन महिलाओं से ही बात कराऊँगा कि आपकी क्या समस्या है और आज धरने पे क्यों बैठना पड़ा आप लोगों को। सुमनमती के राम, छत्तीसगढ़ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ की मैं कार्यकारिणी अध्यक्ष हूँ, प्रदेश जी। किन मांगों के लिए आप लोग आज यहाँ धरने पे बैठे हैं? हमारी तो 8 सूत्री मांगे हैं, और हमारी 8 सूत्री मांगों विशेष रूप से हमारी एक ही मांग है, जो राज्य सरकार जो वर्तमान में सरकार है चुनाव जन घोषणा वादा की थी, सिर्फ और सिर्फ हमको कलेक्टर दर दे दे। आप कलेक्टर दर से मांग कर रहे हैं? जी जी। और क्या मांग है उसके अलावा? उसके अलावा मिनी केंद्र जो है उसको मेन करे, और जो सुपरवाइजर है जो 25% बाहरी से लेती है वो विशेष रूप से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से ही ले, क्योंकि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं में योग्यता की कमी नहीं है। इसमें आपको अभी तक समर्थन में और कोई पार्टी अभी आए हैं क्या? जी जी, हमारे समर्थन में आम आदमी पार्टी और BJP की पार्टी, दोनों पार्टियां आई हैं समर्थन के लिए और विशेष रूप से समर्थन दिए हैं। क्या लगता है आपका जो धरना प्रदर्शन है कितने दिनों का है? अभी हमारी कोई निश्चित नहीं है, हमारी धरना प्रदर्शन अभी 7वां दिन है, क्योंकि अभी 23 जनवरी से बैठे कुछ बहने, लेकिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ संबंध भारतीय मजदूर है वो 9 फरवरी से बैठी हुई है। और हमारी एक ही मांग है, अगर हमारी सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती है तो हम लोग उग्र होकर और आगे आंदोलन करेंगे। अभी तक कोई सरकार की प्रतिनिधि यहाँ आप लोग के पास आए थे क्या? नहीं नहीं, अभी तक नहीं आई है। क्या लगता है इस बार चुनावी साल है, वो बात मानेंगे आपको की? इसका तो हम कह नहीं सकते, लेकिन सरकार हम पर दबाव बना रही है, नोटिस जारी कर चुकी है, लेकिन उस नोटिस से हम अभी घबराने वाले नहीं हैं, क्योंकि सरकार ने स्वयं चुनाव में आने सत्ता में आने से पहले अपने चुनावी जन घोषणा की थी कि मैं जब भी मेरी सरकार शासन सत्ता आएगी तो 10 दिन के भीतर कलेक्टर दर में आप लोग को दिया जाएगा। और सबसे पहले मैडम अपना परिचय बताइए, और आज आप लोग को धरना पे बैठे हैं किन मांगों पे जी यहाँ पे आए हैं आप लोग? मेरा नाम नीलम सिंह है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, और हाँ हम लोग का एक ही मांग है, मतलब मांग तो 8 सूत्रीय मांगे हैं, लेकिन हम लोग का विशेष रूप की एक ही मांग है कि जो सरकार सत्ता में आने से पहले हमने से वादा जो किया था कि हमारी सरकार आएगी तो हम 10 दिन में आपका वादा पूरा करेंगे, तो आप अब 4 साल बीत गए हैं और अभी तक हमारे लिए सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया है, तो हम सरकार को उनकी वादा को याद दिलाने के लिए हमें धरना करना पड़ रहा है, अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठे हुए हैं। ये कितने दिनों का धरना होगा? अगर मान लीजिए सरकार आपकी बात नहीं मानती है तो अगला कदम क्या होगा आप लोगों को? तो सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठेंगे जब तक आचार संहिता लग नहीं जाता। मतलब कोई टाइम नहीं है? नहीं, कोई टाइम नहीं है, अनिश्चितकालीन ही है।